हेलो बच्चों स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल जयपुर पे बच्चों आज के इस वीडियोस में हम डिस्कस करने वाले हैं कि झारखंड में कल ही आप लोगों को अपडेट दिया था कि झारखंड में स्कूल खुल रहे हैं और ये ज़्यादातर स्कूल है जो वो एक हफ्ते के लिए खोला जा रहा है आपके कक्षा एट के ऊपर वाले को ठीक है लेकिन अभी अभी एक बहुत बड़ी अपडेट निकल कर आई है कि सत्रह जिलों में कितने जिलों में सत्रह जिलों में कक्षा एक से भी पढ़ाई को शुरू कर दिया गया है सत्रह जिलों में यानी कि कुछ ज़िले ऐसे हैं जिनमें प्रतिबंध लगा दिया गया है यानी कुछ जिले ऐसे हैं जिनमें प्रतिबंध लगाया गया है कि वहाँ पर कक्षा एक से पढ़ाई नहीं होगी सुचारू रूप से लेकिन सत्रह जिलों में कक्षा एक से पढ़ाई शुरू होगी तो कौन कौन से जिले हैं क्या आपके जिले हैं उसके अंदर क्या आपके जिलों में कक्षा एक से सत्रह पढ़ाई होगी क्या आपके जिले में कक्षा एक से पढ़ाई नहीं होगी तो ये जानने के लिए वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक बने रहिएगा विस्तार से बिल्कुल बताएंगे आपको क्या है आज का ये न्यूज़ तो हमारे चैनल पर यदि आप पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा घंटी के बैलकन को दबा दीजिएगा पल पल की अपडेट को पाने के लिए और वीडियो के नोटिफिकेशन को पाने के लिए और सुचारू रूप से अपनी कक्षाओं की पढ़ाई को पढ़ने के लिए क्योंकि आपके इस चैनल पर आप ही के क्लास के सभी विषयों की पढ़ाई बिल्कुल फ्री कराई जाती है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर कर जरूर रखें तो चलिए बात करते हैं क्या है अपडेट निकल कर आई है देखिए अपडेट ये निकल कर आई है कि कल हमने आपको एक न्यूज़ दिया था जिसमें हमने आपको बताया था कि जो झारखंड में जो है स्कूल खोले गई है एक सप्ताह के लिए किस लिए वो कक्षा एट के ऊपर से एट से लेकर ट्वेल्व तक के बच्चों के लिए फॉर्म भराने के लिए जिनके भी फॉर्म छूट गए थे वो फॉर्म भर सकते थे लेकिन अभी एक बड़ी अपडेट निकल कर आई है कि सत्रह जिलों में केवल और केवल सत्रह जिलों में कक्षा एक से विद्यार्थियों को बुलाया जाएगा पढ़ाई के लिए ठीक है ना यानी सत्रह जिलों में बच्चे जाना शुरू हो जाएंगे तो कौन कौन से वो सत्रह ज़िले इसके बारे में चर्चा करेंगे और कौन कौन से ऐसे सात जिले हैं जिन पर प्रतिबंध लगा दिया गया है कि आप वहाँ पर पढ़ाई नहीं करवा सकते हैं कक्षा एक के बच्चों से कारण यह है कि वहाँ कोरोना के केस सबसे ज़्यादा हैं और इन सत्रह जिलों में कोरोना के केस सबसे कम है यानी ना के बराबर है इसलिए इन सत्रह जिलों में कक्षा एक के बच्चों को जो है पढ़ाई के लिए भेजा जाता है साथ ही साथ इनके लिए ये भी एक अपडेट है कि ये जो बच्चे कक्षा एक से जाएंगे वो कोरोना के गाइडलाइंस को फॉलो करेंगे यानी दो गज की दूरी पे बैठेंगे ठीक है मास्क लगाएंगे दो गज की दूरी पे बैठेंगे वहाँ पर सैनिटाइजर का व्यवस्था रखा जाएगा यानी पूरी व्यवस्था के साथ ही पढ़ाई शुरू की जाएगी ठीक है तो चलिए आप जानते हैं कि कौन कौन से वो जिले हैं जहाँ पर स्कूल खुलेंगे और कौन कौन से जिले हैं जहाँ पर स्कूल नहीं खुलेंगे तो आपको भी बेसब्री से इंतजार होगा कि आपके ज़िले में स्कूल खुल रहे हैं कि नहीं खुल रहे तो चलिए बताते हैं हम आपको देखिए यहाँ पर आपको जो है सात जिलों का नाम दिया गया है यहाँ पे कितने ज़िले हैं सात जिले हैं इन सात जिलों में जो है पूरी तरीके से प्रतिबंध लगा दिया गया है यहाँ पर कक्षा एक से पढ़ाई नहीं होगी ठीक है कौन है रांची है पूर्वी सिंहभूम है बोकारो है चतरा है देवघर है सरायकेला है और सिमडेगा है ये सात ज़िले ऐसे हैं जहाँ पर क्लास वन से पढ़ाई प्रतिबंधित है यानी यहाँ पर केवल आठ के ऊपर वाले छात्र लोग जाएंगे जो अपना फॉर्म फ़िलअप करेंगे जिनका फॉर्म नहीं भरा गया है ठीक है अगर आप इन सात ज़िलों में आते हैं तो आपके यहाँ पर स्कूल नहीं खुलेगा यदि आप इन सात ज़िलों में आपके ज़िले का नाम नहीं है तो आपके यहाँ पर स्कूल ओपन हो चुका है बच्चों के लिए ओपन हो चुका है तो आप स्कूल जा सकते हैं आपके बच्चे स्कूल जा सकते हैं क्लास वन से ठीक है समझ में आ गया आपको यहाँ पे सात जिलों के नाम बिल्कुल स्पष्ट हमने लिख दिया गया रांची है पूर्वी सिंहभूम है बोकारो है चतरा है देवघर है सरायकेला है और सिमडेगा ये सात ज़िलों में प्रतिबंध है याद रखेंगे इन सात जिलों पर प्रतिबंध पर है यदि आप इन जिलों से आते हैं तो आपके यहाँ पर क्लास वन से पढ़ाई रेगुलर नहीं हो पाएगी लेकिन अगर आप इन सात ज़िलों में नहीं आते हैं तो आपके वहाँ पर पढ़ाई सुचारू रूप से हो पाएगी तो उम्मीद करते हैं कि आपको आज का ये न्यूज़ जो है आपका ये नॉलेज जो है आपको अच्छा लगा होगा ये जानकारी आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर देंगे चैनल पे यदि पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि आपको यहाँ पर आपके क्लास का फ्री ऑफ कॉस्ट जो है कोर्स उपलब्ध कराया जाता है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए वहाँ पर जो है ना आपको कैटेगरी वाइज जो है आपको मिल जाएगा ठीक है ना डिस्क्रिप्शन में जाइएगा वहाँ पे कैटेगरी वाइज आपको प्लेलिस्ट मिलेगा आप अपने प्लेलिस्ट पर जाकर अपने क्लास के सभी वीडियोज़ को देख सकते हैं ठीक है चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखें इससे आपको अपडेट मिलता रहेगा मिलेंगे अपने अगले वीडियो में थैंक यू